हेलो फ्रेंड्स मैं सिर्फ आचार्य गणेश कोहली तो आज की जो वीडियो है ये होने वाली है नीलम स्टोन पे नीलम स्टोन पे ये आज की बिल्कुल कंप्लीट वीडियो होने वाली है यानी कि कौन कौन से लगन के लोग जब शनि किस किस घर में है तो आप नीलम पहन सकते हैं और कौन कौन से लगन अपोजिशंस हैं जहाँ आपको नीलम नहीं पहनना चाहिए तो ये सारी पूरी डिटेल वीडियो आज आपके लिए है तो सबसे पहले तो मैं कहूँगा नीलम के बारे में कि नीलम तो आपको भाग्य से मिलता है पैसे से बिल्कुल नहीं मिलता है अभी बात मैं क्यों कह रहा हूँ आपको ये आपको आ, मेरे आगे के एपिसोड में समझ जाएगी नीलम जो स्टोन होता है ये आपको चुनता है कुंडली में शनि की पोजीशन कितनी भी प्रोमिनेंट क्यों ना हो लेकिन नीलम रत्न ये आपकी जब तक बॉडी से अलाइन नहीं होगा आपके चक्रा से अलाइन नहीं होगा तब तक आपको इसका फ़ायदा नहीं मिल सकता है ये मैंने खुद अपने पर्सनल करियर में ऑब्जर्व किया है बहुत सारी प्रोमिनेंस चैतन कुंडलीज में भी जब मैंने नीलम पहनने की सलाह दी थी तो उन्होंने भी काफ़ी तरह के नीलम टेस्ट किए थे किसी ने किसी ने तो बीस से भी ज़्यादा नीलम टेस्ट किए थे लेकिन उनकी बॉडीज़ के साथ में वो नीलम अलाइन हुआ ही नहीं था और इस करके उनको नीलम का फ़ायदा मिलना नहीं फिर बाद में उन्होंने फिर नीली पहनी थी और नीली का देखिए कि क्या कमाल है कि नीली पहनने के बाद उन्हें रिज़ल्ट अच्छे मिलने लगे नीलम से नहीं मिले थे तो केवल दो रत्न होते हैं नीलम और डायमंड ये अपने धारक कत्ता को कुछ चुनते हैं ये आपको कुछ चुनते हैं ये आपकी सोल से अलाइन होते हैं तो यदि ये आपकी सोल से अलाइन नहीं होते हैं तो ये आपको सूट नहीं करते हैं अब नीलम सूट होने की सबसे बड़ी निशानी क्या होती है देखिए नीलम सूट होने की सबसे बड़ी निशानी जो मैं कहूँगा सबसे पहले है कि आपकी बॉडी में बहुत सारी एनर्जी बढ़ेगा जहाँ पहले आप तीन चार किलोमीटर नहीं चल पाते थे अब वहाँ पे आप आराम से दस किलोमीटर भी खुशी खुशी चले जाएंगे। वो खुद आपको घर से उठा करके बाहर वॉक पे लेके चले जाएगा क्योंकि आपकी बॉडी में इस तरह की एनर्जी भर देगा कि आप खुद चाहेंगे कि हाँ मैं थोड़ा और ज़्यादा एक्टिव हूँ और ज़्यादा चलूँ बॉडी में एनर्जी को काफ़ी हद तक ये बढ़ा देता है और इसके बाद में जो है ड्रीम्स आपको ड्रीम्स काफ़ी अच्छे आएंगे कि, कि मेरी जॉब लग गई है या मुझे कहीं से पैसा मिल रहा है मेरी रुकी पेमेंट्स मिल रही हैं या फिर मैं कहीं अपने धर्म स्थल पर जा रहा हूँ है ना तो इस तरह के ड्रीम्स जनरली आपको मिलेंगे नीलम सूट नहीं होगा तो क्या होगा नीलम सूट नहीं होगा तो आपको सबसे पहले तो सर दर्द की प्रॉब्लम आने लगेगी उसके बाद में फिर आप देखेंगे कि कुछ दिन बाद में जो है आपको रात को भी रेस्टलेसनेस फील होगा पूरी पूरी रात नींद नहीं आएगी जब तक आप उसको नहीं उतारेंगे उसके बाद में आपकी आइज़ में पेन होगा आपके चेस्ट में भी कभी कभी पेन हो सकता है देखिए पुराने काल में ना जब किसी को नीलम टेस्ट करवाते थे तो एक ख़ास बात बोलते थे कि देख भैया घर से बाहर मत जाना तो इसके पीछे रीज़न है कि नीलम इतना स्ट्रॉन्ग है कि यदि वो आपको सूट नहीं करेगा तो कुछ भी अनहोनी भी हो सकती है तो ये पुरानी बातें जो है ये गलत नहीं हैं ये सही है नीलम के बारे में कहीं की सारी बातें सही है अब मान लीजिए कि आपको कहीं आपकी हेल्थ ख़राब हो रही है आपका बिजनेस डाउन चल रहा है पैसा नहीं आ रहा है आप जॉब ट्राई कर रहे हैं जॉब नहीं लग रही है घर में अनूल प्रॉब्लम्स आ रही है तो ऐसे में यदि आपका टाइम ख़राब चल रहा है तो आपको नीलम एक बार टेस्ट जरूर करना चाहिए क्योंकि नीलम जो है ये नेचुरल भाग्य का कारक है नीलम जो है ये आपके बॉडी में थ्रोट और थर्ड आई चक्र का कारक है ठीक है तो ऐसे में क्या होगा यदि नीलम आपकी बॉडी चक्रास आपके सोल के साथ अलाइन हो गया तो कुछ चीज़ें ये अच्छी कर देगा ठीक है पार्टली बेनिफिक पार्टली बेनिफिक भी होगा तो पर कुछ चीज़ें ये अच्छी कर देगा हो सकता है कि सब कुछ ही अच्छा कर दे ठीक है तो आपको नीलम ट्राई करने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए चाहे आपका कुंडली किसी भी लगन की हो किसी भी राशि की हो शनि कहीं भी बैठा हो कोई बात नहीं ऑलरेडी समय खराब चल रहा है नीलम पहनने से क्या हो क्या और ख़राब हो जाएगा लेकिन कुछ अगर अच्छा हो गया तो ठीक है और बात आती है आपकी कि कितने कैरेट का नीलम कम से कम पहनना चाहिए यदि आप बहुत ही अच्छी क्वालिटी का पहनते हैं तो फिर तीन से चार कैरेट बहुत ज़्यादा सफिशेंट है आपके लिए क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है तो इससे ज़्यादा पहनना तो मेरे हिसाब से पैसा वेस्ट है बाकी अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप पहन लीजिए मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप थोड़ा सा लो क्वालिटी में जाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा पाँच या छः कैरेट भी काफ़ी है बैंकॉक जाते हैं आप अगर अफ्रीकन जाते हैं बर्मा जाते हैं तो पाँच से छः कैरेट ये आपके बॉडी पे सफिशेंट है पहनने को तो आप कितना भी बड़ा पहन लीजिए उसमें कोई रोक टोक नहीं है लेकिन जो मिनिमम वेट मैंशनड है नीलम वाले केस में ये तीन से चार कैरेट का ही मैंशनड है तीन कैरेट ही मैंशनड है बट फिर भी आप एक चलो एक चार कैरेट पहन ले सकते हैं अब हम जानते हैं कि कौन कौन से लगन के जो लोग हैं वो इसे पहन सकते हैं और कौन सी पोजिशन से सेटन से से की जहाँ हम इसको पहन सकते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो लगन शनि के फ्रेंडली नहीं है वहाँ पे क्या स्थिति बनती है जैसे कि आपका हो गया आपका मेष लगन हो गया फिर आपका आ, सिंग लगन हो गया उसके बाद में आपका कर्क लगन हो गया और फिर स्टिक लगन धनु लगन और मीन लगन हो गया इनमें देखिए जो मेष लगन वाले हैं ये तो नीलम पहन सकते हैं क्योंकि यहाँ पर शनि जो है दसवें और ग्यारहवें का लॉर्ड होता है मगर वहाँ भी अगर शनि दस्थाना में आ जाए आठवें बारहवें में आ जाए तो ये पार्टली मेलेफिक हो जाएगा और पार्टली बेनिफिक हो जाएगा क्योंकि दस्थाना में कोई भी बेनिफिक ग्रह जो जब भी जाएगा तो वो अपनी अच्छा करने की ताकत को काफ़ी हद तक खो देता है तो यहाँ पे हमने जनरली ऑब्जर्व किया है कि पार्टली बेनिफिक मिलता है और पर पर पार्टली मेनिफिक भी मिलता है नीलम पहनने से ठीक है देखिए मेलेफिक प्लेट है मेलेफिक हाउस में बिल्कुल मेलेफिक रिजल्ट तो नहीं देगा पार्टी बेनिफिक तो देगा ही ठीक है अब बात करते हैं बाकी लगन जैसे कि आपका सिंग लगन हो गया उसके बाद में आपका कर्क लगन हो गया धनु लगन हो गया मीन लगन हो गया वृश्चिक लगन हो गया अब यहाँ पर यदि शनि बेनिफिक हाउसेस को ऑक्यूपाई कर लेता है मान लीजिए कि वो तीन छः ग्यारह और आठ बारह के अलावा किसी भी घर में है तो वहाँ पे शनि का रिजल्ट आपको जनरली ख़राब ही देखने मिलेगा क्योंकि मेलेफिक प्लानट है और बेनिफिक हाउस को ऑक्यूपाई करेगा तो मेलेफिक रिजल्ट ही देगा यदि वो उपछाया तीन छः ग्यारह में आ जाए यदि वो अपनी राशि में आ जाए दस ग्यारह राशि में आ जाए और यदि आठ बारह में आ जाए तो आपको उसके पार्टली बेनिफिट रिजल्ट मिलेंगे तीन छः अगर में तो आपको उसके रिजल्ट बेनिफिक मिलेंगे आठ बारह में पार्टली बेनिफिक मिलेंगे और पार्टली मेलीफिक मिलेंगे अपनी राशि में स्थित है तो चाहे किसी भी घर में है वो अच्छा रिजल्ट देगा आपको यदि वो अपनी अपनी दसवीं राशि में अपनी ग्यवीं राशि में कैप्रिकॉन एक्वेरिस में है शनि तो हमेशा अच्छा रिजल्ट देगा मेलेफिक प्लैनेट्स अपनी राशि में हमेशा अच्छे रिजल्ट देते हैं फंक्शनली मेलेफिक हो फंक्शनली या फिर नेचुरल मेलेफिक हो यानी कि लगने से दोस्ती हो या चाहे लगने से शत्रुता हो तब भी यदि अगर अपनी राशि में है तो हर ग्रह अच्छा रिजल्ट देता है तो यहाँ भी शनि अच्छा रिजल्ट देगा ठीक है अब इसके बाद में हम आते हैं कि जो शनि के फ्रेंडली साइंस हैं उनमें क्या स्थिति होगी यानी कि आपका टॉरस लगन हो गया आपका जेविना लगन हो गया आपका वर्गो लगन हो गया लिब्रा लगन हो गया कैप्रिकॉन और एक्वेस लगन हो गए ठीक है अब देखिए टॉरस और लिब्रा वालों के लिए तो ये सबसे बेनिफिक प्लैनेट माना जाता है क्योंकि तो शुक्र इसका लॉर्ड होता है और इसकी शुक्र से बहुत ज़्यादा ही दोस्ती है इतनी दोस्ती है कि आप नीलम फ्राइडे को भी पहन सकते हैं अब आपको मैं एक मूल सूत्र बताता हूँ अगर मान लीजिए कुंडली में आपका शुक्र खराब है ना तो आप शनिवार को जो है डायमंड वाइट सफायर वाइट टोपास वगैरह डालिए आपको रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा मिलता है पर वहाँ शनि अगर अच्छी कंडीशन में है तो और मान लीजिए कि शनि खराब कंडीशन में है और शुक्र अच्छी कंडीशन में है तो आप फ्राइडे को नीलम पहन के देखिए फ्राइडे को नीली पहन के देखिए फ्राइडे को लापिस पहन के देखिए तो आप देखेंगे कि आपका शनि जो है अब थोड़ा सा अच्छा रिजल्ट देना शुरू हो गया है ये एक बहुत ही सीक्रेट है इनडोर प्लानट्स का क्योंकि इन दोनों में एक अति मित्रता है इसलिए ये जो है कि अगर मान लीजिए कि शनि की पोर्सन ख़राब है तो फ्राइडे को स्टोन डालने से भी हेल्प मिलती है और यदि कि कुंडली में आपका विनस खराब है तो शनिवार को जो है विनस स्टोन डालने से आपको फ़ायदा मिलेगा तो अब बात करते हैं कि जो हमारा टॉरस लग्न है जमीनाल लग्न है वर्गो लग्न है लिब्रल लग्न कैप्रिकॉन और एक्वेस्ट लग्न देखिए इन सभी लग्नों में शनि जो है ये फंक्शनली बेनिफिक होता है तो यहाँ पे जब तक कि वो आठ और बारह में ना चला जाए यानी थाना में ना चले जाए तब तक वो पार्टली बेनिफिक पार्टली मेनिफिक होगा अदरवाइज किसी भी घर में आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा केवल चौथे घर को छोड़ के याद रखिएगा याद रखिए चौथे घर से शनि की हमेशा ही एक एक खास तरह से मतलब जो दुश्मनी रही है चौथे घर में अपनी राशि में भी होगा तो पार्टली बेनिफिक ही माना जाएगा इसको ठीक है ऐसे लोगों को जो है अपने बर्थ प्लेस से तुरंत मूव होना चाहिए या अपने कल्चर से दूर चले जाना चाहिए ऐसे लोगों को जनरली फॉरेन चले जाना चाहिए उनके लिए ज़्यादा अच्छा होता है किसी भी लग्न में शनि या शनि यदि चौथे घर में आपके विराजमान हो जाए पर और यदि चाहे अपनी ही राशि में क्यों ना हो जाए बट वहाँ पर पार्टली ही बेनिफिट मिलेगा वहाँ पर कंप्लीट आपको बेनिफिट नहीं मिलता है क्योंकि वो उसकी वो उसकी अच्छी पोजीशन नहीं मान जाती है चौथे घर में शनि मतलब कि आपके घर का सुख चैन खस्ता पूरा ही ख़राब कर देता है आपको पूरा स्ट्रेसफुल माहौल बना देगा आपके घर का आपके घर वाले आपको आप, आपके घर में सपोर्ट ही नहीं करेंगे तो इस तरह की स्थिति बन जाती है अब चौथे घर को छोड़ करके और आठ बारह को छोड़ करके देखिए चौथे घर में तो ज़्यादा मैं होता है आठ बारह में पाटली होगा ठीक है मगर अगर शनि के फ्रेंडली लग्न है तो फिर चाहे किसी भी घर में शनि बैठा हो शनि के श्रेन लगन में आठ बारह को छोड़ के शनि किस जिस मर्जी घर में बैठा हो चार आठ बारह को छोड़ के शनि हमेशा अच्छा रिजल्ट देगा वहाँ आपको तो वहाँ आप नीलम ट्राई डेफिनेटली कर सकते हैं शनि अस्त्र है तो भी आपको नीलम पहनना चाहिए यदि वो बेनिफिक है तो ठीक है अब जिन लोगों का शनि वक्री होता है जिन लोगों का शनि वक्री होता है वो लोगों को कभी भी नीलम नहीं पहनना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी वो एक नेचुरल मेनिफिक प्लान है देखिए चाहे वो कोई भी लगने का इंसान हो ठीक है फिर भी शनि जो है चालीस साल के पहले तक तो उसका मेलेफिक इफेक्ट्स हर एक कुंडली पर रहता ही है चाहे तुला लगन में उच्च का क्यों ना बैठा हो वो तो वहाँ भी आप देखेंगे फोर्टी इयर्स तक वो आपको स्ट्रगल्स देता ही है उसके बाद में आपको सक्सेस मिली शुरू होगी ठीक है तो ये तो तो ये इसका मूल सिद्धांत है ये इसका बिहेवियर ही है ठीक है तो इसलिए यदि वो क्री है तो वो ट्रिपल पावरफुल हो जाएगा तो वहाँ वो और ज़्यादा परेशान देगा तो इससे अच्छा है कि वहाँ आप नीलम नहीं पहन करके टाइगर्स आय को पहनी क्यों क्योंकि तो वक्री शनि जब भी आपकी कुंडली में होगा वो आपको स्ट्रेस एनजाइटी सेल्फ डाउट्स फियर ऐसी चीज़ें पैदा करेगा तो इसलिए आपको टाइगर्स आय वगैरह पहनना चाहिए जो कि इसकी बिल्कुल अपोजिट एनर्जी होती है तो वो आपकी इस शनि की एनर्जी को बैलेंस कर देगा वक्री शनि के लिए मैं नीलम पहनने की सलाह किसी को नहीं देता आपको अगर पर्सनली ट्राई करना है तो आप कर सकते हैं मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है अब हम आ, बात करेंगे कि कहाँ लिखा है कि ग्रह के लिए ही हमें नीलम पहनना चाहिए देखिए आप अगर जितने भी ग्रंथ पढ़ेंगे है ना चाहे आप पुराण पढ़ लीजिए चाहे आप बस संिता पढ़ लीजिए चाहे आप कुछ भी पढ़ लीजिए किसी भी ग्रंथ को पढ़ लीजिए किसी में नहीं लिखा है कि जो नीलम है यानी कि जिसको इंद्र बोला गया है कि वो शनि का ही स्टोन है इन इन सभी किताबों में कहीं नहीं लिखा गया ऐसा ठीक है लेकिन फिर भी जो उसकी एनर्जी है वो नीलम से कई हद तक मैच करती है ये एक मतलब देखा गया है कि शनि की पोजीशन यदि कुंडली में अच्छी नहीं हो तो नीलम जनरली लोगों को अच्छे फल नहीं देता है लेकिन क्या ये हर एक के साथ होता है नहीं होता है मेरे कई ऐसे क्लाइंट हैं जो कि कर्क लगन के हैं दूसरे लग्नों के हैं और उनमें शनि जो है मतलब कि अपनी राशि में तक नहीं है ना अपने एग्जॉल्टेड साइन में है लेकिन उनको भी नीलम सूट हो गया तो ये एक बहुत ही बड़ा रहस्य है इस नीलम स्टोन का जो कि जो कि आज तक हमें भी समझ नहीं आया कि उस, उन्हें बेनिफिट रिजल्ट कैसे मिल रहा है इसका ठीक है मेरे कई क्लाइंट्स हैं और मैं खुद भी मतलब हैरान था कि मतलब कि शनि का ऑपोजिट लग्नेश का साइन है उन्होंने नीलम ट्राई किया उनको नीलम इतना अच्छा शोर्ट हुआ उनका बिजनेस ही चल पड़ा ठीक है और, और ऐसा भी नहीं है कि नमाश कुंडली में बहुत अच्छी कंडीशन में शनि है नमाश कुंडली में भी नॉर्मल घरों में ही शनि है ना अपनी राशि में है ना अपनी बच्चे की राशि में है कहीं नहीं है ना वो शनि वहाँ पर वर्गोत्मा है नहीं है फिर भी वो नीलम छुट हुआ है तो यही नीलम की ना एक मिस्टीरियस चीज़ होती है ठीक है अब जिन लोगों को नीलम पहनना है मान लीजिए कि मतलब आपका जो असेंडेंट है वो आपका सैटन फ्रेंडली असेंडेंट है आपका ठीक है आपको एस्ट्रोलॉजर ने बोल दिया कि भाई नीलम पहनिए ट्राई कीजिए आप ठीक है आपने नीलम ट्राई किया आपको नीलम वहाँ सूट नहीं हुआ तो इसके लिए एक बहुत ही सीक्रेट मूल मंत्र है बहुत ही सीक्रेट चीज़ है जो मैं आपको आज आज बताऊँगा तो यदि आपको नीलम सूट नहीं होता है ना तो कुछ नहीं करिए आप सिर्फ कुछ महीनों के लिए तीन महीनों के लिए आप खाली शिवजी की पूजा कर लीजिए शिवजी को दिल से पूजा कर लीजिए तीन महीने के लिए उनको मान लीजिए आप और तीन महीने बाद आप फिर से नीलम ट्राई करके देखिए तो आप देखेंगे कि आपको नीलम का रिजल्ट अच्छा मिलना शुरू हो गया है ऐसा क्यों होता है जनरली क्या कारण है देखिए शनि ग्रह जो है ये इसको भी नीलम नीलम्भाषण कहा गया है और जो हमारे शिव जी हैं इन्हें भी नीलकंठ कहा गया है कहा गया ना तो इस करके भी कुछ हद तक नीलम स्टोन जो है वो शिव जी से भी रिलेट होता है ठीक है यदि आपको शिव आपको नीलम सूट नहीं करता है कई बार तो कई बार मान लीजिए कि आपके कर्म यदि सदी सही नहीं है तब भी नीलम स्टोन आपको सूट नहीं करेगा क्यों नहीं करेगा क्योंकि ये ग्रह का स्टोन है शनि ग्रह कर्म के दाता हैं और शन और जो शिवजी हैं ये शनि ग्रह के गुरु हैं ठीक है ठीके? तो यदि आप गुरु को मना लोगे तो श्रो तो शिष्य वहाँ पर आपको प्रबंध नहीं देगा तो यदि आपको नीलम सूट नहीं होता है आपको नीलम से सर्टिफिकेट मिल जाता है तो तो आप ये एक चीज़ जस्ट ट्राई करके आप देख सकते हैं कि आप शिवजी की पूजा करिए थोड़े थोड़े टाइम तक उसके बाद तुम नीलम को पहनगे देखिए आपको डेफिनेटली उससे फ़ायदा मिलेगा मेरे कई क्लाइंट्स से उन्हें मिला था इस बारे में अब हम बात करते हैं कि नीलम हमें किस क्वालिटी का पहनना चाहिए ठीक है तो नीलम हमें किस क्वालिटी का पहनना चाहिए देखिए नीलम तो आप बैंकॉक का भी डाल सकते हैं अफ्रीका का भी डाल सकते हैं बर्मा का भी डाल सकते हैं इसमें कोई इशू नहीं है आपको रिज़ल्ट उनका भी मिलता है ठीक है सिलोन को की मान्यता ज़्यादा है लेकिन हर कोई तो सिलोन देखिए अब एफोर्ड नहीं कर सकता तो क्या वो नीलम नहीं पहन सकता ऐसा बिल्कुल नहीं है आप अवश्य नीलम पहन सकते हैं बैंकॉक का नीलम भी आपको फिफ्टी रिज़ल्ट डेफिनेटली देता है ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं देता है लेकिन उससे अच्छा यह है कि बेटर है कि आप अफ्रीका बर्मा पे चले जाइए वो आपको फिर भी मतलब बेटर एक ऑप्शन होती है अब मान लीजिए कि आपको जो है आ, कि आप शिलोंग का महंगा नीलम नहीं खरीद सकते हैं तो आप कुछ मत कीजिए आप आप एक अफ्रीकन नीलम ले लीजिए उसके साथ में एक एक नीली पहन लीजिए दोनों एक साथ ही आप एक उंगली में धारण कर लीजिए वो भी आपको काफ़ी हद तक ये बेनिफिट इफेक्ट दे देगा सैटन को स्ट्रॉन्ग पावर दे देगा ठीक है सैटन की डिग्री जितनी आपकी कुंडली में कम होगी ना उतना ही नीलम आपको टाइम लेगा मान लीजिए आपका शनि दो डिग्री का है तीन डिग्री का है चार डिग्री का है तो वहाँ पर नीलम आपको इफेक्ट देने में टाइम लेगा लाइफ में चेंज आने में टाइम लेगा यदि वो अच्छी डिग्री का है देखिए शनि जो शनि का जो एक एग्ज़ोल्टड पॉइंट है ना वो बीस डिग्री है बीस डिग्री इन लिब्रा है ठीक है तो यदि आपकी कुंडली में शनि कुंडली में लिब्रा साइन में भी है और यदि वो शनि वीक है चार पाँच डिग्री छः डिग्री सात डिग्री है तो आपको ज़्यादा टाइम लेगा रिजल्ट देने में यदि वो अपनी अपनी एग्जोल्टड डिग्री के करीब है पंद्रह डिग्री है चौदह डिग्री है तेरह डिग्री है बारह डिग्री है तो वहाँ पे अगर आप पहनेंगे तो वहाँ पे आपको रिज़ल्ट शनि आपको रिज़ल्ट डीलम का बहुत जल्दी मिल जाएगा तीन चार दिन में मिल जाएगा आपको रिज़ल्ट ठीक है अब मैं आपको अपनी लाइफ के कुछ रियल किस्से बताता हूँ जो कि रियल इंसिडेंट्स हुए थे मेरे साथ में तो मेरा एक फ्रेंड था उसका लिब्रा लग्न था ये बात है 2012 की बात है ये और उसका शनि शनि सेकेंड हाउस में था दिपरा लगन में ठीक है और वो जो था सेकेंड हाउस के अंदर वो मर्क्यूरी के स्टार में था ज्येष्ठ नक्षत्र में था नवमांश में जो शनि था वो मेष लगन की आ, कुंडली थी और मेष लगन की कुंडली में आई थिंक वो शनि पाँचवें घर में था ठीक है तो इस तरह की कुछ आ, उसका वो चार्ट था तो उसे फिर मतलब मैंने वैसे नीलम के लिए जस्ट एक जैस किया था कि आप नीलम पहन लीजिए शायद आपके लिए बेनिफिक है क्योंकि क्योंकि ना उसकी हर जगह पेमेंट रुक जा रही थी उसकी हर जगह पेमेंट्स डिले हो रही थी उसका अपना बिजनेस था लेकिन जित जि, जितने भी उसके क्लाइंट्स थे वो उस सब उसकी पेमेंट रोक के रखे हुए थे छः महीने आठ महीने साल साल तक नहीं मिलती इसमें उसकी पेमेंट ठीक है तो फिर उन दौरान जो था उ, उसे हमने एक नीलम टेस्ट करवाया था और वो किस तरह का नीलम था वो आपक्रीन पर देख लीजिए वो सिर्फ इसी तरह का नीलम था शिलोंग का ही था लेकिन वो पार्टली ट्रांसपेरेंट था और कलर भी बिल्कुल वाइट था उस नीलम का ठीक है तो उस बंदे ने जो है नवरात्र में उस नीलम को टेस्ट किया था जो नवरात्र हमारे अक्टूबर में आते हैं उस तो नवरात्र के शनिवार को उसने वो नीलम टेस्ट किया था तो जैसे ही उसने फर्स्ट डे उस नीलम को ले आ, टेस्ट किया था उसी रात को उसको बहुत ही अच्छे ड्रीम्स आने शुरू हो गए थे कि मैं जो है वैष्णो देवी में घूम रहा हूँ मैंने नई गाड़ी ले ली है नया घर बुक कर लिया है उसके साथ ही हुआ अगले दो तीन दिन तक तो उसे उससे इसी तरह के बहुत ही अच्छे अच्छे ड्रीम्स आने शुरू हुए आप मानेंगे चौथे दिन में छः महीने रुकी पेमेंट उसकी उसके अकाउंट में आ गई उसके बाद में जितनी बाकी पेमेंट रुकी हुई थी वो सारी पेमेंट्स भी थी विद इन फिफ्टीन डेज सब ने प्रमिस्ड करके दे दिया कि हम दे देंगे और उससे आधी पेमेंट उसको आ भी चुकी थी ठीक है पर अब हुआ क्या देखिए अब यहाँ पे उसने क्या किया कि उसने सोचा कि यार कि यदि मुझे नीलम इतना अच्छा सूट कर रहा है तो क्यों ना मैं कोई बेटर क्वालिटी का नीलम सर्च कर लूँ है ना तो उसने क्या किया उसने उस स्टोन को उतार दिया और उस स्टोन को उतार के उसने उसने जो है जहाज से उसने स्टोन लिया था उसको उसने वापस कर दिया और बेटर क्वालिटी का सिलोन नीलम उसने ले लिया ब्लूइश ट्रांसपेरेंट बढ़िया क्वालिटी का ले लिया उसने अब जैसे उसने वो नीलम डाला पंद्रह दिन तक भी उससे कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया दर्द रहा हेडेक्स रहा स्ट्रेस रहा रात को नींद आनी बंद हो गई थी ठीक है अब क्या हुआ अब जब वो वापस जाता है उसके पास वो वाला नीलम मांगने के लिए तो वो नीलम ऑलरेडी उसका वहाँ से सोल्ड हो चुका था अब किसके पास गया था वो तो खुद भी जिसने बेचा था उसको भी नहीं था ठीक है तो हुआ क्या आप खुद आप देखिए यहाँ पर तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जो नीलम है ना ये ज़रूरी नहीं है कि आपको टॉप क्वालिटी का नीलम ही सबसे अच्छा रिजल्ट दे देगा नीलम आपकी सोल से अटैच होता है चाहे वो किसी भी क्वालिटी का नहीं लीजिए आप अब मेरे सामने जब भी इंसिडेंट था तो मैं कुछ शौक़ था कि यार कि की इतना मतलब सिंपल सा नीलम पहने पर यूज़ कितना बढ़िया हो रहा था और जब सिलॉन् का बढ़िया क्वालिटी का ले लिया है तो वो सूट ही नहीं हो रहा उसके बाद उसने अट्ठारह नीलम टेस्ट किए थे सिलॉन्ग के लेकिन किसी भी नीलम ने उसको वो रिज़ल्ट नहीं दिया था इसलिए मैंने आपसे स्टार्टिंग में ये बात कही थी कि नीलम किस्मत से मिलता है पैसे से नहीं मिलता है ठीक है उसके बाद में वो लगातार एक साल तक भी मतलब तो उसके पीछे भागता रहा एक साल तक उसने बहुत सारे नीलम ट्राई किए लेकिन वैसा रिजल्ट नहीं मिला जो रिज़ल्ट उसको वो उस नीलम से मिलना था ठीक है तो नीलम जो है ना ये आपकी सोल से अटैच हो जाता है समझ गए आप तो कभी भी यदि आपको ऐसा कुछ टोंग मिल जाता है तो उसके बेटर क्वालिटी के पीछे भागने के चक्कर में उसे मत गवा दीजिएगा ये उसने सबसे बड़ी गलती की थी अपनी लाइफ की और वो मुझे आज तक बोलता है इस चीज़ के लिए मैं आज, मेरा मेरा काफ़ी अच्छा फ्रेंड है आज बात होती है तो हमारी बात हमेशा इस टॉपिक पे आती ही है ठीक है तो यही कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा था ठीक है नीलम आपको कभी भी डालना है तो आपको हमेशा उसको टेस्ट रिजल्ट करना है मेडा टेस्ट किए नहीं डालना है चाहे कितना प्रोमिनेंट भी हो वो आपको शो करता हो क्योंकि देखिए नीलम से नीलम वैरी करता है कुछ नीलम जो है वो बहुत ही अच्छे बेनिफिशियल देते हैं कुछ नीलम चाहे आप कुंडली में शनि कितना भी अच्छा हो वो, वो आपको बुरे रिजल्ट ही देंगे यदि आप पुराने ग्रंथ पढ़ेंगे आप सरत्न सामुच्य पढ़ेंगे या यदि आप भृगु संहिता पढ़ेंगे है ना यदि आप महागड़पुराण पढ़ेंगे उसमें लिखा गया है कि शुभ नक्षत्रों में यह जो सॉरी आई मीन की अशुभ नक्षत्रों में या अशुभ मुहूर्त में माइनिंग किए गए नीलम हमेशा ही बुरे रिजल्ट देंगे अब ये उसमें लिखा गया है कि अशुभ मुहूर्त में हमें माइनिंग नहीं करनी चाहिए वरना वो नीलम जो है या जो, जो भी स्टोन निकलेगा वो आपको अशुभ रिजल्ट देगा और आज के टाइम तो, तो आप जानते हैं कि दिन रात माइनिंग चल रही है इन चीज़ों पर कोई ध्यान नहीं देता है इसीलिए नीलम भी जनरली दो प्रकार के मैंने देखे हैं एक जो बंदे को रंग से राजा बनाते हैं और दूसरे राजा से रंग भी बना देते हैं ठीक है इसलिए इसे कहते हैं हमेशा आपको टेस्ट करना चाहिए बिना टेस्ट किए बिल्कुल डालना नहीं चाहिए अब नीलम आपकी बॉडी में आपने देखा होगा कि सालों साल आपने पहना हुआ है आपके पास उसका सर्टिफिकेट भी है और नीलम आपका नेचुरल भी है फिर भी आपको रिज़ल्ट नहीं दे रहा है ऐसा क्यों तो देखिए नीलम जब भी आपकी बॉडी से अलाइन होगा ना तो वो तीन तरह के आपको रिजल्ट देगा या बिल्कुल पॉजिटिव दे देगा या तो वो आपकी बॉडी में न्यूट्रल रहेगा ना अच्छा करेगा ना बुरा करेगा बड़ा रहेगा या तो नेगेटिव दे देगा तो आपको जनरल तीन तरह के रिजल्ट जरूर इसमें ऑब्जर्व होंगे या तो पॉजिटिव नेगेटिव या या, या, फिर न्यूट्रल ना पॉजिटिव न नेगेटिव है ना अब बात करते हैं कि अशुभ टाइम पे नीलम पहनने से क्या होता है देखिए नीलम पहनने के लिए ना हमेशा एक शुभ समय हमेशा बताया गया है ये नहीं कि आप किसी भी शनिवार को नीलम पहन सकते हैं नहीं बायदा कोशिश कीजिए कि आप शुक्ल पक्ष को ही आप नीलम डालिए ठीक है शुक्ष शुक्ल पक्ष के शनिवार को रात को ही आप नीलम डाल लीजिए ठीक है अंधेर पक्ष में आप इसको मत डालिए और जितना उसको आप अच्छे मुहूर्त में डालेंगे यानी कि नवरात्र में डालेंगे तो और बेटर रिजल्ट देगा वो नीलम आपको ठीक है तो कई बार क्या होता है कि यदि आप उसको अशुभ मुहूर्त में डालते हैं तो आपने देखा होगा कि आपने नीलम पहना ठीक है आपको तो कोई नुकसान नहीं हुआ पर अचानक आपकी वाइफ बीमार हो गई आपका बेटा साइकिल से गिर गया उसको चोट लग गई है आपकी मदर को अचानक हॉस्पिटल में एडमिट हो गई है तो ऐसे रीजंस भी आपको मिलेंगे नीलम से क्यों मिलेंगे क्योंकि नीलम जो है आप जो है वो भले ही आपसे जुड़ा है बट वो आपके जुड़े सेफ को भी वो नीलम प्रभावित करता है ठीक है जैसे ही आप नीलम धारण करेंगे क्योंकि आपकी जो वाइफ है आपका बेटा है आपकी मदर है है तो वो आपसे लिंक्ड है ना तो 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 नीलम को इतना स्ट्रॉन्ग क्यों मानते हैं इसलिए मानते हैं क्योंकि वो आपके अलावा आपके साथ रहने वालों पर भी प्रभावित होता है ठीक है इसलिए इसे हमेशा शुभ मुहूर्त में ही डालना चाहिए ये सेम केस आपको गोम्यत के साथ भी देखने मिलेगा क्योंकि आपका जो बेटा है वो आपके देने से जुड़ा हुआ है वाइफ आपकी अर्धांगनी है मदर से आप आए हैं ठीक है तो जितने भी आपके क्लोज वंश्स हैं उन पर भी इसका अफेक्ट घर में पड़ता है अब हम बात करते हैं कि नीलम सोने चांदी किस में डालना चाहिए ठीक है देखिए इसके सिंपल रीज़न uh, है आपको बहुत देख करके आपको अपने धातु का चंद करना है क्योंकि यहाँ शनि अगर मान लीजिए कि आपके फाइव फोर फ्रेंडशिप में या टेम्पोर फ्रेंडशिप में या शनि अगर उन ग्रहों का एनिमी हुआ ठीक है तब भी आपको नीलम के साथ तक सूट नहीं करेगा समझ रहे हैं आप तो यदि आपको नीलम चांदी में पहनना है तो आपको एक चीज़ देखनी है कि क्या जो शनि है वो ते, वो टेम्पोरल या फाइव फुल फ्रेंडशिप में टेम्पोरल hmm. फ्रेंडशिप या फाइव फुल फ्रेंडशिप में शनि क्या मून का फ्रेंड है या ये मून से न्यूट्रल है अगर आपको चांदी में पहनना है तो चांदी के लिए मून ठीक है और यदि आपको उसको गोल्ड में पहनना है तो क्या शनि टेम्पोरल में आ, या फाइव फुल फ्रेंडशिप में वो कहीं भी जुपिटर का फ्रेंड है या उसका शत्रु है फ्रेंड है तो गोल्ड में आपको अच्छा फायदा करेगा शत्रु है तो पार्टली बेनिफिट होगा और ये सेम रूल्स जो है ना ये महादशाओं पे भी आपके होते हैं अब आपको जरूर देखना है कि शनि किस स्टार में है मान ली मान लीजिए कि शनि जो है लगन फ्रेंडली कुंडली में है शनि ठीक है अपने फ्रेंडली फ्रेंडली अटेंडेंट में शनि बैठा हुआ है लेकिन वहाँ भी अगर वो अपने आ, नेचुरल मेलेफिक स्टार में आ जाए मान लीजिए तुला लगन में शनि जो है शायद वो सूर्य के स्टार में आ जाए मंगल के स्टार में आ जाए और यदि वो गुरु के स्टार में आ जाए जो सबसे मेलेफिक होता है तुला लगने के लिए गुरु ग्रह सबसे मेलेफिक होता है यदि उसके स्टार में आ जाए तो वहाँ भी आपका जो शनि है वो पार्टली बेनिफिक हो जाएगा क्योंकि स्टार को भी देखना बहुत ज़रूरी है स्टार मतलब क्या है देखिए आप कोई भी स्टोन डालेंगे ना तो डायरेक्टली उसका रिजल्ट आपको स्टार का ही ज़्यादा मिलेगा मान लीजिए शनि पहले घर में है और स्टार आठवें घर में है तो आपको सबसे पहले जो उसका इफेक्ट आएगा वो आपको ट्रांसफॉर्मेशन का ही आएगा आठवें घर की ही एनर्जी आपको देगा ठीक है के पी एस्ट्रोलॉजी में जो ये बताया गया है जिसको कि हम नक्षत्र नाड़ी कहते हैं है ना तो ये ऐसे नहीं बताया गया है ये रियलिटी है यदि आप वैदिक के हिसाब से भी आप देखिए यदि आप आपको स्टोन डालते हैं तो उसका स्टार कौन से घर में बैठे आप देखिए आपको उसका रिजल्ट सबसे ज़्यादा परमनेंट मिलेगा बज कि जहाँ शनि बैठा हुआ है ठीक है तो स्टार को भी हम यहाँ पे नहीं छोड़ सकते हैं स्टार का रोल बहुत ही बहुत ही महत्वपूर्ण होता है यदि एक प्लानट में और स्टार में आपस में फ्रेंडशिप होती है तो महादशा और स्टोन दोनों अच्छा रिजल्ट देंगे यदि वो दोनों आपस में न्यूट्रल हैं तो थोड़ा अच्छा रिजल्ट दे देंगे यदि दोनों आपस में एनिमी है तो महादशा आपकी ज़्यादातर ख़राब ही जाएगी या पार्टली ली जाएगी आप आपस मान लीजिए ठीक है तो स्टार और प्लानट के आपस में दोस्ती होना भी बहुत जरूरी है तो अब बात करते हैं कौन सी उंगली पहनना चाहिए देखिए वैसे तो सभी कहते हैं कि मिडिल फिंगर में ही पहनना बेनिफिक होता है पर आप इसे अप अपनी सबसे छोटी उंगली में भी पहन सकते हैं इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है हाँ फाइफर फ्रेंडशिप आपको मेन देखना है फाइफर फ्रेंडशिप में यदि शनि मान लीजिए कि गुरु ग्रह का फ्रेंड होता है तो आप इसको इंडेक्स में भी डाल सकते हैं आपको यहाँ भी चर्च मिलेगा पर फिर भी मैं आपको मिडल और सबसे छोटी उंगली का ही आपको मैं कहूँगा ठीक है मेटल चूज करने के लिए आपको हमेशा फाइव फोर फ्रेंडशिप को देखना है मेटल जुपिटर जुबिटर है तो गोल्ड मून, मून है तो आपको चांदी चुननी है ठीक है तो ये था हमारा आज का वीडियो तो इस टाइम जो तो से गुड बाय होप यू लाइक द वीडियो थैंक यू